आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अलग अलग प्रेजेंटेशन या लक्षण लेके लोग मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन करते रहते, वीडियो कॉल्स करते हैं या हमारे हॉस्पिटल्स में आते रहते हैं। कभी उनका डायग्नोसिस ऐसा पर्टिकुलर संभव नहीं रहता कि भाई ये बीमारी है, मगर उनको बीमारी है, कुछ ना कुछ बीमारी है, उसको नाम नहीं दे सकते। तो ऐसे कुछ मिक्स लक्षण रहते हैं, तो वो मैं आपको कुछ पढ़ के बताता हूँ कि लोग कैसे सिम्टम्स लेके हमारे पास में आते हैं, ताकि आपको समझेगा कि भाई यदि आपको कोई इसमें से लक्षण है तो आप भी अपने साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से सलाह ले सकते हो। तो देखिए, ये एक 30 साल का लड़का है। मैं नाम नहीं बता सकता, उनका दवा नहीं बता सकता, प्रोफेशनल सीक्रेसी है। ये 30 साल का लड़का है, तो इसमें उनको लगता है कि मेरे विचार नींद में चलते रहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। नींद में बहुत विचार आते रहते हैं, बहुत सारे सपने आते रहते हैं, फिर सुबह फ्रेश नहीं उठ पाता, काम में मन नहीं लगता और थकावट रहती है, बहुत ज़्यादा थकावट आती है, थकान लगती है, ऐसा लगता है कि नींद हुई नहीं है फ्रेश। बार बार भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है, और शरीर में ऊर्जा रहती नहीं है, ऐसा लगता है कि पूरा गारंटी वारंटी निकल गया, पूरा जूस निकल दिया ऐसा लगता है। फिर इसकी वजह से काम नहीं करता, और काम नहीं किया तो फिर घर के लोग बोलते रहते कि इतना सारा हट्टा कट्टा दिखता है, काम नहीं करता, तो फिर घर के लोग उसको काम के लिए भगाते रहते, ये काम करता नहीं है। इसकी शादी होने की है, मगर गर्लफ्रेंड है, और उसके साथ में वो बोलती है गर्लफ्रेंड सेक्स करो, ये बोलता है मुझे इच्छा ही नहीं है। इसकी वजह से उसके झगड़े हो रहे हैं उसके साथ में भी। बोलता है मुझे बहुत थकान है, बहुत थकान महसूस हो रही है, और मुझे कुछ करने की इच्छा होती नहीं है। ऐसा 8 साल से चालू है। अब इसका क्या है कि इसको एक्चुअली दवाई की जरूरत है, मगर दवाई के पहले इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि भाई थायराइड उसका बढ़ा हुआ है क्या या कम हुआ है सिक्रीशंस थायराइड के, या उसको कोई मतलब डायबिटीज़ है, या मेटाबॉलिक एनकेफेलोपैथी है, या फिर साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर है, या डिस्थाइमिया है, मतलब है क्या। पहले हमको देखना पड़ता है कि इसको कोई शारीरिक बीमारी है या मानसिक बीमारी है, फिर इन्वेस्टिगेशन करो भाई इतना ऐसा क्यों थकान है, क्यों ऐसे विचार आते हैं, और फिर शारीरिक बीमारी हमने रूल आउट कर दिया, फिर हम देखते हैं कि मानसिक बीमारी क्या है। तो ये एक। फिर दूसरे जो है, ये एक लड़का है और ये हमारे पास में आया, ऑनलाइन कंसल्टेशन है इसका भी, कि आत्मविश्वास की कमी है और नए व्यक्ति के साथ में बात करने के लिए बहुत डर लगता है, तो वो नए व्यक्ति को बोलने के लिए बहुत टालता है, मतलब उनके साथ में बात नहीं करेगा, नई जगह जाएगा तो बात नहीं करेगा, और फिर नई जगह जाना टाल देगा। कोई भी व्यक्ति के सामने उसको डर लगता है तो फिर क्या है कि वो विड्रॉ रहता है, अंदर घुसता है, और फिर अपने मन में बहुत विचार करते रहता है, और फिर उसका बहुत ज़्यादा मुझे विचार आ रहे हैं, क्योंकि बाहर लोगों से कॉन्टैक्ट नहीं है तो अंदर के अंदर विचार चालू है। नए जगह पर जाने के लिए बहुत डर लगता है, उसको लगता है कि कोई तो भी आएगा, फिर मैं बात नहीं कर सकूंगा, और उसे ऐसा लगता है कि मुझे टॉयलेट लगी मतलब लैट्रिन लग जाएंगी, और फिर वहाँ लैट्रिन की सोई नहीं होंगी तो फिर मैंने लैट्रिन के लिए कहाँ जाना, तो बाहर जाता ही नहीं क्योंकि लैट्रिन का डर। और उसको ऐसा लगता है कि मैं भी बेरोजगार हूँ, अविवाहित हूँ, मैं बेरोजगार ही रहूँगा क्योंकि ये बीमारी लेके मैं चलूँगा तो मुझे काम कौन देगा, मैं तो बाहर जा भी सकता नहीं हूँ, काम भी कोई करता नहीं हूँ, मेरी शादी भी नहीं होंगी तो कैसा होऊंगा। ये भी 2-3 साल से उनको है, 2-3 साल हुए और बाहर आना जाना ज़्यादा नहीं है, वो गर्लफ्रेंड को मिलने जाता है या कोई दोस्तों को मिलने गया तो गया, और घर में बैठे तो वजन भी बढ़ रहा है ज़्यादा। तो ये एक है। दूसरे जो है, ये भी एक लड़का है, उनको ये प्रॉब्लम है कि उनको नपुंसकत्व है, इम्पोर्टेंस मतलब लिंग में कठोरता आती नहीं है, और वीर्यस्राव वो जल्दी हो जाता है, और ये होने के बाद में मतलब शादी हो गई उनकी, तो ये होने के बाद में मतलब जो भी कभी कांटेक्ट करते और ये हुआ नहीं तो फिर उनको बहुत उदास लगता है, उनको गिल्टी लगता है, अपराध बोध होता है, और फिर सेक्स करना बोले तो एकदम टेंशन आता है कि मेरा इरेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो जल्दी गिर जाएगा। फिर क्या करता है, वो वाइफ से अपना मुंह छुपाएगा, कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा रात को, और जैसा शाम होगी तो फिर छाती में धड़ होना, घबराहट होना, और ये सब चालू कब हो गया कि उसने 2013 में एक मानसिक रुग्ण को हॉस्पिटल में भर्ती किया था, वायलेंट डाउ हॉस्पिटल में लाया था, हमारे हॉस्पिटल में लाया था उसने वो मानसिक रुग्ण, बहुत वायलेंट था, उसको पकड़ना पड़ा, बांधना पड़ा, और वो 10-10 लोगों को कंट्रोल नहीं हो रहा था, और उसके मतलब समय से उसको डर लग रहा है कि भाई अपने को भी बीमारी हो जाएंगी मानसिक, और फिर वही विचार रहते हैं, और फिर उसके बाद में सेक्स के प्रॉब्लम भी चालू हो गए। ये दिन भर में काफ़ी बार गुटखा खाता है, तंबाकू देता है,
और तब से मतलब जब वो मानसिक पेशेंट को हॉस्पिटल में लाए तब से वो कोई डॉक्टर की दवा ले रहा है जिसमें उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है मगर ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। तो ये एक है। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हमारे पास में आते रहते हैं, अलग अलग लक्षण हैं, मिक्स रहते हैं, और उसमें ज़्यादातर एंग्जाइटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, सेक्स प्रॉब्लम, मिक्स पिक्चर रहता है। हो सकता है कि आपको ऐसे लक्षण हो और आपने कंसल्ट कभी किसी को किया नहीं होगा, तो ज़रूर आप आपके साइकियाट्रिस्ट को, सेक्सोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, आपका इलाज करके अपना जीवन जो है खुशहाल करो। आप हमें भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।